जूस जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं दो खीरे। सबसे पहले हम खीरों का जहर निकालेंगे। ऐसे आप इसको टॉप से और नीचे से ऐसे काट लीजिएगा और इसका आपको जहर निकाल लेना है। आपको कचिया और फ्रेश खीरे लेने हैं। इसका आप फ्रेश फ्रेश जूस बना के पीजिए, बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी और टेस्टी होता है और बहुत ठंडक देता है। खीरा खाएंगे तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा ठंडा ठंडा महसूस देता है। तो आज हम बना रहे हैं खीरे का जूस। जैसे बहुत गर्मियाँ हो रही हैं तो उसमें ठंडा ठंडा पेय पदार्थ सबका पीने का मन होता है, तो हम बना रहे हैं आज खीरे का जूस। ऐसे हम इसका जहर निकाल के इसको साफ़ कर लेंगे और इसके छिलके छिलके हम इसे काट लेंगे। आगे और पीछे से हम इसका दोनों तरफ से जहर निकाल लेंगे जिससे इसमें कड़वाट ना आए। यहाँ पर खीरों को हमने छील लिया है, अब इनको हम बारीक बारीक करके काट लेंगे। इसे आप जूसर में मिक्सी में पीस के इसका जूस निकाल सकते हैं आराम से, बहुत जल्दी बन जाता है। और आपको इसको फ्रेश ही बना के पीना है, इसको आपको रख के नहीं पीना। आप जब बनाएं जब इसको पी लीजिएगा, एक तो आपको बहुत ठंडक महसूस देगी और बहुत अच्छा लगेगा टेस्टी। इसे हमने काट लिया, इसे हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पर हमने खीरे को पीस लिया है। आपको एक छलनी ले लेनी है और एक बर्तन ले लीजिए आप। ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि आप आसानी से कैसे खीरे का जूस बना सकते हैं। जूसर में तो आप आसानी से बना ही सकते हैं, मिक्सी में भी आप इसको डाल के ऐसे पीस के उसको छान लीजिएगा। दो खीरों में से आपका कम से कम आधे से पौना गिलास जूस आराम से बन जाएगा। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, खीरे में खुद ही बहुत पानी होता है। आप इसे अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा और फ्रेश फ्रेश जूस हमारा खीरे का बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप इसे गिलास में से सर्व कीजिएगा। कितना बढ़िया हमारा फ्रेश फ्रेश खीरे का जूस बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको मिक्स कर देंगे और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें धनिया की पत्तियां, धनिया पुदीना आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक आइस क्यूब। अब साथ ही डालेंगे थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती जिससे उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया लगता है ये जूस पीने में, टेस्टी टेस्टी और ठंडा ठंडा। बहुत छोटी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।